हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए आइए सभी लोग, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो सभी लोग आ जाइए। अब देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको हमने पिछली क्लासेस में कुछ बेसिक आपको बताया था, आज हम आपको वहाँ से डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और डायमेंशन को डिस्कस करने से पहले आपको रिमाइंड करा देते हैं जो भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है आपका, यूनिट एंड मेजरमेंट का, तो इसमें हमने आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकें, यानी कि मेजरेबल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं कहते हैं। और मेजरेबल जो क्वांटिटीज होती हैं, उनका एक तरीके से हम कह सकते हैं, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी लॉज होते हैं, उन लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए हम उनका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो, हमको कोई भी नेचर में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, सपोज करो आप बॉल को फेंक रहे हो, तो बॉल को फेंकना है ना, अब उस बॉल को आप सपोज करिए कितनी स्पीड से आपने फेंका, कितनी हाइट पे आपकी बॉल गई, ठीक है, और साथ में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। तो ये सारी अगर आपको एनालिसिस करनी होती है, तो इन सारी एनालिसिस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा उसको उसकी। ठीक है, तो जो भी नेचर में हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़, उन सारी एक्टिविटीज़ को अगर आपको डिटेल वे में अगर एनालिसिस करना है या एक्सप्रेस करना है, डिस्क्राइब करना है, तो मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हमको होगी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो हमने बताया कि जो भी क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकें, और मेजर करके हम ये पता लगा सकें कि कौन सा लॉ हमारा इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वांटिटी हम कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी हमने आपको बताया कि हमारी तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। एक हमने आपको बताया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड जो हमने बताई थी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड जो हमने आपको बताई है वो होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं, वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो। क्या, एक बार फिर से सुनिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, यानी कि इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज हमारी क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सेकंड हमने बात की है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका हम अगर ड्राइव करते हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, डेराइव क्वांटिटी को बना सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाएंगी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आप कह सकते हो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर मेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेसिकली हमारे पास दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है एंगल, ठीक है, और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो एंगल आप लोग जानते हो, तो एक प्लेन में आकर आपका एंगल बनाया जाए, तो आप प्लेन में क्या करो, दो लाइंस को आप इस तरीके से बनाते हो। ठीक है, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, ये आप कह सकते हो ये थीटा एंगल हो गया मान लिए, तो ये एंगल हमारा कहलाता है। ठीक है, तो ये इसमें आपको सिंपली यही चीज़ समझनी है, एंगल प्लेन, जो प्लेन पर हमारा एंगल ड्रॉ किया जा सके ये इस तरीके से, तो वो हमारा प्लेन एंगल हो गया। सॉलिड एंगल क्या होता है, तो देखिए सॉलिड एंगल बेसिकली, जैसे आप सपोज करो आपने आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है, तो ये कोन वाली आइसक्रीम हम बना देते हैं,
अब इसमें आपने देखा होगा कि आप जब पूरी चॉकलेट खा लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होता है, थोड़ी सी चॉकलेट टाइप से बच जाती है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सॉलिड टाइप की एंगल कहलाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो सॉलिड एंगल ये होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब हमने बताया था कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो हमारी सेवन टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? सेवन टाइप्स की। वो हमने डिस्कस भी किया था, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, और सेवेंथ जो हमने बताई थी वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस बताई थी। तो ये बेसिकली सात टाइप की हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगी। डिराइव्ड क्वांटिटी का यूज, सॉरी, डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशन की। नेक्स्ट है, जैसे डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन क्या होता है? तो देखिए, डायमेंशन एक तरीके से हम कह सकते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। क्या फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हम कह सकते हैं, उन फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर होती है, ठीक है, पावर, उस पावर को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे हम अगर आपसे ये कहें कि लेंथ, लेंथ को अगर हम लोग डायमेंशन अगर लिखें तो लेंथ को अब हम क्या सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं? अगर डायमेंशन के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो हमने बताया था कि आपको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करना है, और इसकी पावर सपोज करिए क्या है? वन है। तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हो फंडामेंटल यूनिट क्या है? एल, यानी कि मीटर में लेंथ मेजर की जाती है। अब जो भी आपकी मीटर में लेंथ होगी तो सिंपली एल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, कैपिटल एल से। और इसकी जो पावर होगी यही हमारा क्या कहलाएगी? डायमेंशन कहलाएगी, ठीक है। जैसे सपोज करो मास है, तो मास को आप किससे रिप्रेजेंट किया था? तो मास को हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से जो टाइम हमने बताया था, टाइम होता है, टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से, ठीक है। तो ये हमने आपको सेवन टाइप की जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी उनको हमने आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था, ठीक है। एक बार अगर आप चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को हमने किस तरीके से बताया? टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक करेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। इसी तरीके से लुमिनस इंटेंसिटी होती है, तो लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, इस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट जो होती है वो कैंडेला होती है, ठीक है। क्या होती है? कैंडेला। तो और कैंडेला को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी डी से, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसको बेसिकली हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी सेवन टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनका हमने इस तरीके से डायमेंशन के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी हमारे पास फॉर्मूला होता है तो आपसे यही पूछा जाता है कि डायमेंशनल इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल का यूज करके हम लोग देखते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कैलकुलेट होंगे। अब जैसे मान लिया, हम एज्यूम करते हैं क्या, जैसे एरिया, एरिया को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लिया एरिया क्या होता है? एम इंटू एम। तो अगर हम इसको एम क्या है? मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एरिया क्या है? एक तरीके से हमारी इसकी यूनिट क्या है? लेंथ है। इसकी यूनिट क्या है? मीटर में होगी। और हमने क्या बताया? मीटर को किस में मेजर करते हैं? मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की आपको फंडामेंटल यूनिट पता है, क्या हो जाएगी? एम क्यूब। और इसको अगर हम लोग डायमेंशन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा, कैपिटल एल क्यूब। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करें, जैसे हम जानते हैं अगर हम डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है? अब जैसे हमेशा आप याद रखना, जब भी आपको डायमेंशन की बात आएगी तो
तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब आपको फॉर्मूला ही पता होगा तभी आप डायमेंशन उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि डेंसिटी की आपको बतानी है डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी हम जानते हैं क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की हमने क्या बताया, मास को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, देखिए मास को हमने कैपिटल एम से, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो सिंपली हमने क्या है मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेंगे और वॉल्यूम को एल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एम एल पावर माइनस की थ्री हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं, एम एल माइनस थ्री, एम पावर वन। तो इसकी पावर, अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या लिखोगे, तो डायमेंशन जो बेसिकली होगी वो क्या होगी, वन और माइनस थ्री, किसकी हो जाएगी, एम और एल की, ठीक है। तो ये डायमेंशन होती है, तो वही हमने बताया कि डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है, पावर होती है ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी की, पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं सारी, है ना, सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है उसको हम कहते हैं डायमेंशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी की क्या होगी, तो वेलोसिटी की हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी डिस्टेंस एक तरीके से कह सकते हैं किसमें मेजर की जाती है, लेंथ में, और लेंथ क्या होती है, यूनिट मीटर, मीटर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल और अपॉन टाइम टी। तो इसको आप सॉल्व करोगे एल पावर वन टी पावर माइनस के वन, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी। अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखना है एमएलटी के रूप में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम पावर जीरो एल पावर वन और टी पावर माइनस के वन, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट क्वांटिटी और ले लेते हैं, जैसे सपोज करो आपको एक्सीलरेशन का बताना है, तो एक्सीलरेशन आप जानते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही होगा। अब चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की हमने अभी आपको कैलकुलेट की है, क्या होती है, ये होती एम पावर जीरो जीरो एल पावर वन एल टी पे पावर माइनस वन, तो आप इसको ले सकते हैं एम पावर जीरो एल पावर वन टी पे पावर माइनस वन अपॉन टी की, टी क्या है हमारा, टाइम है, चेंज इन टाइम, तो टाइम की हमने बताई टी पे पावर वन, ये हो जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, एम पावर जीरो एल वन टी पे पावर माइनस के टू, तो ये हमारा हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का। इसी तरीके से आपको और क्वांटिटीज लेते हैं, तो बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं, अगर उन सबका आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वांटिटी अगर हम बात करें, अब देखिए आपसे कभी कभी ये एक्सेलरेशन हम जानते हैं ए होता है, और एक्सेलरेशन हम जानते हैं जी भी होता है। जी एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, तो सिंपली जो एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही है आपका, अगर डायमेंशनल फार्मूला होगा तो डायमेंशनल फार्मूला इसका भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ये भी है। तो आपको अगर जी की वैल्यू पूछी जाती है, जी का डायमेंशनल पूछा जाता है, तो ये आपकी क्या होगी, यही डायमेंशन होगी, ये याद रखिएगा। यानी कि आपका फॉर्मूला अगर है तो फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, सारी डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ और क्वांटिटी लेते हैं, जैसे हम मोमेंटम की बात करें, जैसे आपको नेक्स्ट क्वांटिटी अगर हम लेते हैं सेवेंथ क्वांटिटी, तो ये क्या है, मान लिया स्ट्रेस है, क्या है, स्ट्रेस है पूछा जाए। अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है फॉर्मूले को कि किस तरीके से फॉर्मूले की डायमेंशन हमको कैलकुलेट करनी है, कैसे हम, तो फॉर्मूला आपको जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाएंगे आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे, और साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनके साथ साथ में ही आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालते चलेंगे और कैलकुलेट करते चलेंगे। तो आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की हम पढ़ ही चुके हैं, क्या हमने देखा था, एम एल टी माइनस टू
अपॉन एरिया को क्या हम लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली एम एल, क्या हो जाएगा एम एल माइनस के पावर वन टी पे पावर माइनस टू, यही होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वांटिटी अगर हम लें तो जैसे स्ट्रेन होता है, क्या है स्ट्रेन, स्ट्रेन की क्या होगी बताइए, स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखो चेंज इन लेंथ, तो लेंथ की हम जानते हैं क्या होता है एल, और इसकी भी क्या होगा लेंथ की एल, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा एल पावर जीरो होगा कि नहीं होगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मेट में एम एल टी के रूप में, तो एम पावर जीरो, एल पावर जीरो और टी पे पावर जीरो। तो अगर आपसे कहा जाए कि स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होगा, तो स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होगा, स्ट्रेन का डायमेंशन यानी कि जीरो आप कह सकते हो, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो जो भी आपकी क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी वही होगी जो आपकी क्या होगी, इसकी यूनिट भी डायमेंशन यूनिट लेस क्वांटिटी ही हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम लोग क्वांटिटी देखते हैं। जैसे क्यू हमने मान लिया इलेक्ट्रिक चार्ज है, अब इसको हम लोग आई इंटू टी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और आई क्या है, आई करंट है, तो करंट को हमने क्या किया ए और टाइम का टी, सिंपली इसकी यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगी ए पे पावर वन और टी पे पावर वन, तो इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी डायमेंशन फॉर्मूला। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वांटिटी और लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जानते हैं क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब वर्क डन अपॉन चार्ज तो हम जानते हैं वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज, और फोर्स को हमने क्या लिखा है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी एल, और यहाँ पे चार्ज की हमने क्या अभी कैलकुलेट की क्या हो जाएगी ए टी, बताइए ए टी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए पावर माइनस वन, ए पे पावर माइनस वन, यही होगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, तो इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो बताइए इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो इस टाइप से आपकी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, उन सारी क्वांटिटीज का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला तभी निकाल पाएंगे जब आपका उसको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया जाता है। ये सारी क्वांटिटीज आपको ऑलरेडी याद हो चुकी हो जाएंगी जब आपका सिलेबस लगभग आपको पढ़ाया जाएगा तब तक। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन लेने वाली नहीं कि फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप उसका टेंशन लें कि हाँ ये कैसे होगा, तो वो लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप तरीका समझिए कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई सबको। बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जैसे आप बता सकते हो और भी। ठीक है, तो आज हम लोग इतनी बात करते हैं, और भी क्वांटिटीज़ होती हैं। चलिए एक क्वांटिटी शायद आपकी छूट गई है, जो मेन मेन क्वांटिटी है वो हमने आपको ड्राइव कराई। जैसे आपको हमने वर्क की, वर्क आप जानते हो क्या होता है, तो वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, अभी हमने इसकी ड्राइव कराई, फोर्स की क्या होती है एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट की एल, सिंपली हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसे ही आपको एनर्जी की पूछी जाए, ठीक है, तो एनर्जी हम जानते हैं जिसका
यूनिट, देखिए हम जानते हैं कि जो बर्क होता है, बर्क को हम लोग यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इसी तरीके से हम एनर्जी का भी यूनिट की बात करें तो जूल है, तो इसकी यूनिट हमारी सेम है। तो इस तरीके से वर्क भी एक टाइप की एनर्जी है, तो आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एनर्जी का, तो वो भी हमारा क्या होगा, यही होगा सेम। ठीक है, इसी तरीके से चाहे कोई भी एनर्जी पूछी जाए, चाहे आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए या चाहे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यही वर्क वाला। आपको इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी आपकी जूल में मेजर की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, या हम कह सकते हैं वर्क का जो फॉर्मूला होगा, वही हमारा एनर्जी का भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी क्वांटिटीज दी रहती हैं उनकी, और आपको कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है उनको याद रखना है। जैसे फोर्स है, तो फोर्स का आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है, फोर्स का आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको आप याद कर लीजिए, और वहाँ से आप बहुत सारी क्वांटिटीज को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग पूरा आपका सिलेबस कवर कराएंगे। ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।